जब तक मैं पहुंच जाऊं। तहरीक इंसाफ ने ना कराची से कुछ निकाला है, ना रावलपिंडी से कुछ निकाला है, आपका बिल्कुल मुकम्मल तौर पे इधर से कुछ नजर नहीं आ रहा, नो प्रेजेंस एट ऑल। ये आप काशी भाई साहब ठीक है भाई, तो बिना मुझे पता आगे बढ़ जाते हैं। रावलपिंडी से कुछ हमने पिंडी कवर कर लिया था, देखें रावलपिंडी से पीपल्स पीटीआई का कुछ निकलना भी नहीं था, इसलिए आगे चले हैं। उसके बाद आप मनमोहन रईफ बासी साहब तक पहुंचे। अगर पिंडी में पीटीआई का मामला अच्छा होता तो आज मंजरनामा भी इस्लामाबाद कराची सफाया। गुजरात में भी स्किप कर रहा हूँ चूंकि वो अभी नतीजा रोकने का कारण है। तुम गुजरात का भी स्किप कर रहे हैं, वही सालिक साहब वाला है, कैसरा एलआई साहब वाला, जिसमें सालिक साहब 25,000 से जीत गए थे, तो वो अभी रुक गया है। मैं क्विकली आ रहा हूँ सियालकोट में, आइए जनाब, जहां पर फिरदौस आशिक आवान साहब वाला हल्का, जहां पर हाफिज हामिद रजा से पीटीआई की और चौधरी इमरान सुमानी थे नून लीग की, उसका नतीजा क्या रहा जरा बताइएगा। हम लोग क्विकली आगे बढ़ेंगे। अच्छा ये आपने रिहाना डार साहब वाला चला दिया, चले मेरे ये बताए थे। इसमें जो आखिरी नतीजा आया है, जो फाइनल नतीजा है, इसके मुताबिक जनाब ख्वाजा आसिफ साहब ने ले लिए हैं तकरीबन 1,19,000 वोट। याद रहे यहीं पे हम खड़े थे और इस हल्के का 99% नतीजा हमने अनाउंस कर दिया था, तब ख्वाजा आसिफ साहब हार रहे थे 50,000 वोटों से, अब जीत गए 18,000 वोटों से। इंडिपेंडेंट रिहाना डार साहिबा ने 1,00,000 वोट लिया है, ख्वाजा आसिफ साहब ने 1,18,000 वोट लिया है हतमी नतायज के मुताबिक। आगे अगर आप सियालकोट का दूसरा दिखा सकते हैं अभी, या हम आगे बढ़ेंगे। आप जी एक कमेंट ऐड करना चाहती हूँ कि ख्वाजा साहब जब भी इलेक्शन जीतते हैं ना तो उसको बड़ा सेलिब्रेट करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसको ओन करते हैं। ये कैसा इलेक्शन के जीतने के बाद ना कोई स्टेटमेंट है, ना कोई ओनरशिप है, ना फ्रंट फुट पे आके कोई मतलब ये क्या जीता है? नहीं, एक छोटी सी ट्वीट रीट्वीट करने के अलावा उन्होंने कोई इतना इसको खास नहीं, मतलब उनको भी मालूम है कि कैसी जीत। भाई 2008, 2013, 2018 में बैक टू बैक जीते हैं उसके बाद, मगर मसला इधर इस वाली जीत का ये कि पुरानी वाली कॉल भी डिस्कस होती है और 6 बजे से पहले वाले रिजल्ट भी बार बार याद आते हैं। ये जीत भी कोई जीत है वैसे, अल्लाह माफ करे। तो क्या वजह हो सकती है, क्या हुआ होगा वहां पर? बाबू उसमें तबसरा जरा करते हैं, अभी आज रात तक यही, आज रात जाने देना। अच्छा, क्योंकि आप लोगों के होटल कल तक के बुक हैं और फ्लाइट कल तक की, तो आज पूरा निचोड़ के भेजेंगे, 12 बजे तक है, अभी तजिए करेंगे। सियालकोट का एक क्विकली दिखा दें, चौधरी इमरान सुमानी साहब जीत गए, पीएमएल नून के हैं, तकरीबन 1,23,000 वोट लिया है, सामने इंडिपेंडेंट ने 1,12,000 वोट लिया है। ये वो हल्का है जहां से फिरदौस आशिक अवान साहब अभी लड़ रही थी, तो उन्होंने कितने वोट लिए? 1,25,000, 1,12,000 और 11,000, मतलब 1,11,000 नहीं 11,000 फिरदौस आशिक अवान साहब। हम यही एक्सपेक्ट कर रहे थे, 13 और 18 में भी सुमानी साहब ही जीते थे, तगड़े थे। सरप्राइजिंगली गैप बहुत कम है, अभी देखते हैं इसके। हाँ ये बात सही है, ये बात आगे बढ़ते हैं। अगर मैं टॉपिक काम ही बंद कर दिया अभिषेक, नारोवाल चलते हैं जहां पर दानियाल अजीज साहब का जो हल्का है, और वहां क्या हुआ है जना, वहां से जीते कौन है? वहां से अनवर उल्लाह चौधरी साहब मुस्लिम लीग नून के जीत गए हैं तकरीबन 1,00,000 वोट लेकर। यहां से पीटीआई बैक कैंडिडेट ताहिर अली जावेद साहब ने लिए हैं तकरीबन 76,000 वोट। तो इस हल्के से सियालकोट के दानियाल अजीज साहब है ही नहीं, नारोवाल से सियालकोट नहीं, तकरीबन यहां पे 25,000 वोट से नून लीग जीत गई है। और दानियाल अजीज साहब ने यहां से कितने वोट लिए? 21,000 वोट लिए दानियाल अजीज साहब ने। नारोवाल का एक और हल्का ये है जनाबे एहसन इकबाल साहब का हल्का, इसका फाइनल रिजल्ट क्या आया दिखाइएगा। एहसन इकबाल साहब 1,36,000 वोट ले सके, उनके मद्द मुकाबिल जावेद सफदर कालू जिनका इंतखाबी निशान था, बैंगन फॉर सम रीजन बैंगन बहुत दिए इलेक्शन कमीशन ने, ये उनके तर्जुमा मैं साहब का तो रब्ता होता रहता है चीफ साहब से इलेक्शन कमीशन के, अगर ये पूछेंगे ये क्यों इन्होंने ये निशान इतना किया।